मैं हूँ आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मंगलुरु ब्लास्ट मास्टरमाइंड की हुई पहचान। कल मंगलुरु में हुए ऑटो में कुकर ब्लास्ट में ड्राइवर पुरुषोत्तम और यात्री पूरी तरह से घायल हुए थे। इनका हॉस्पिटल में इलाज जारी है, जिसमें 45% जख्मी हाल में रहे यात्री की पहचान शारिक के नाम से की गई है, जो कि शिमोगा के तीर्थहल्ली निवासी पेशे से कपड़ों का व्यापारी है। शारिक 2019 में शहर के प्रमुख रास्तों पर रहे दीवारों पर समाज विरोधी लिखावट के चलते शारिक जेल जाकर लौटा है। इस बार दोबारा कुकर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने इसे इसका जिम्मेदार ठहराया है। इनके परिवार को बुलाकर पुष्टि की गई कि यही शारिक जो ऑटो में कुकर ब्लास्ट की वारदात अंजाम दिया था। पुलिस की ओर से और जांच जारी है, अभी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। गन्ने से भरी ट्रैक्टर पलटी लेने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। गुलबर्गा जिला आलंद तालुका के बस स्टैंड के पास गन्ने से भरी ट्रैक्टर सार्वजनिक जगह पर पलटी होने से दो लोग घायल हुए हैं, जो गन्ने के बीच जा फंसे थे। इन्हें स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं कुछ लोग गन्ने की चोरी करने में लगे थे, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। हर पानी की टंकी से पानी पीकर दलित युवकों का अनोखा प्रदर्शन। कल चामराजनगर जिला हेगोट्टार तालुका में प्यासी दलित महिला ने मंदिर के पास रही पानी की टंकी से पानी पीने से नाराज लोगों ने पूरी टंकी को ही खाली करके साफ सफाई की थी। इसी के जवाब में आज स्थानीय दलित युवकों की ओर से गांव में जितने भी पानी की टंकियाँ हैं, हर पानी की टंकी से पानी पीकर अनोखे अंदाज में हड़ताल की गई और जनता में नारे लगाए गए कि ये सार्वजनिक जायदाद है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और दलित महिला को इंसाफ दिलाने की मांग की इन युवकों ने। घर में जबरन पैसे मांग रहे डमरू वादक की जनता ने की पिटाई। कोप्पल शहर के क्लॉक टावर सर्कल के पास घर में कोई ना होता देखकर डमरू बजाकर झूठा भविष्य बोलने का नाटक करके अकेली महिला से जबरन पैसे लूटने वाले दो ढोंगी व्यक्तियों की स्थानीय जनता ने पिटाई की है। धर्म और आस्था के नाम पर जब तक जनता अंधविश्वास करती रहेगी, तब तक ऐसे ढोंगी लोगों के घर बिना मेहनत के ही चलते रहेंगे। नशे में झूमता टीचर। उत्तर कन्नड़ा जिला कुमटा के हेगड़े कट्टे में प्राइमरी स्कूल टीचर ने खूब पीकर नशे में झूमते हुए नजर आया शिक्षक, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर जनता भी विरोध कर रही है कि इस तरह नशे में झूमता हुआ शिक्षक बच्चों को क्या सही तालीम दे पाएगा, क्योंकि हजारों की सरकारी तनख्वाह लेकर सरकार के साथ ये तो बड़ा धोखा है, कह रही है जनता। नगर सभा के खिलाफ सड़कों पर उतरी JDS। बीदर नगर सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बिना चुनाव किए ही चुने जाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय JDS पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से हाथों में कांग्रेस MLA रहीम खान की तस्वीर लेकर धिक्कार के नारे लगाकर नगर सभा दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई, जहां पर पुलिस और JDS कार्यकर्ताओं के बीच खींचातानी भी देखने को मिली इस विरोध प्रदर्शन के दौरान। मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन के चलते तैयारियों की सभा। आने वाले दिसंबर 10 ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे गुलबर्गा जिले को आने वाले हैं, जिसके चलते गुलबर्गा शहर के निजी फंक्शन हॉल में KPCC अध्यक्ष ईश्वर खंड्रे और स्थानीय MLA कनीज फातिमा के अलावा जिला अध्यक्ष जगदेव गुत्तेदार की ओर से तैयारियों की सभा करके सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई कि एयरपोर्ट से NV मैदान तक विशाल जुलूस करके अंत में NV मैदान में AICC अध्यक्ष खड़गे का सम्मान किया जाएगा, कहा कांग्रेसी नेताओं ने। फ्लाईओवर के लिए कांग्रेसियों की हड़ताल। बेंगलुरु हब्बाल के फ्लाईओवर को सही तरह से निर्माण और
और भी बड़ी तरह से निर्माण करने को लेकर आज के पीसीसी कार्याध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी, पूर्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा, भैरती बसवराज के अलावा सभी कांग्रेसी नेता और पदाधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन में लग गए कि सही तरह से फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए, जिससे काफी देर तक ट्रैफिक समस्या से जनता को जूझना पड़ा इस प्रदर्शन के दौरान। गिरने की कगार पर ब्रिज देखकर भी अधिकारी अनजान। हुबली के बाहरी इलाका हुबली बीजापुर NH नवलगुंद के पास निर्माण ब्रिज गिरने की कगार पर है, जहां से कई लोग गिर के अब तक जाने भी गंवा चुके हैं, क्योंकि ब्रिज के बाजू में निर्माण किए गए साइड वॉल गिर गए हैं। साथ ही इसे गिर के एक साल बीतने के बाद भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी खामोश। अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो और एक ब्रिज का हादसा होने में देर नहीं लगेगी। राज्य में अचानक घर में लगी आग, हुआ लाखों का नुकसान। धारवाड़ शहर के भोगस गली में रहे चंद्रू नामी व्यक्ति के घर पर अचानक आग लगने से लगभग पूरे घर के सामान जलकर राख हो गए हैं। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की ओर से इस आग को बुझाने में कामयाबी तो मिली, लेकिन नुकसान को बचा नहीं पाए फायर ब्रिगेड वाले। घर में कोई ना होने से किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हो पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यत्नाल की तस्वीर को चप्पल मार के विरोध प्रदर्शन। KPCC कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली के हिंदू लफ्ज के बयान पर राज्य में विरोध प्रतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सतीश जारकीहोली के समर्थन में दलित संगठनों की ओर से बागलकोट शहर के नवनगर में विशाल रैली करके अंबेडकर सर्कल से DC ऑफिस तक विरोध प्रदर्शन किया गया, और बीजापुर सिटी BJP MLA बसनगढ़ पाटिल यत्नाल के खिलाफ नारे और तस्वीर जलाकर MLA बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल की तस्वीर को चप्पल से मार के विरोध जताया दलित संगठनों ने। BJP MLA को भगा भगा कर जनता ने की पिटाई। चिकमंगलुरु जिला मुडीगेरे तालुका कुसुरू में मुडीगिरी BJP MLA MP कुमार स्वामी को पुलिस सुरक्षा के बीच ही चोर चोर के नारे लगाकर भगा भगा कर पिटाई की है। जनता ने आखिर में फटे हुए कमीज के साथ नजर आए BJP MLA MP कुमार स्वामी। इस पर विधायक का कहना है कि जानबूझकर गांव वालों ने हमला किया है मुझ पर। जानबूझकर जनता कभी नेताओं पर हमला नहीं करती। MLA साहब ने ही कोई गलती की होगी जो इनसे तंग आकर जनता ने पिटाई की है, क्योंकि ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। सिर्फ बड़े बड़े भाषण झाड़ कर काम ही नहीं करेंगे तो यही हाल करेगी वोट देने वाली जनता जनप्रतिनिधियों का। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।